फोर्स जो है बाहर से आई है, कितनी वो रहने वाला? 65 कंपनियां जो ना बाहर से आ रही है, वो अलग अलग जगहों पर तैनात होगी। इतने कितने जो मॉडल पोलिंग बूथ और इस तरह से बनाए गए हैं हरियाणा भर में? हर एक असेंबली सेगमेंट में एक जो है मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, और एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी बनाया जाएगा जिसको ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन यानी कि सखी मतदान केंद्र बोलेंगे। यहाँ पर सिर्फ महिला कर्मी ही जो पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया कराएंगे। अच्छा, जिस तरह से यहाँ सोनीपत में भी इस तरह की रहेगी, हरियाणा भर में रहेंगे? हाँ, सब जगह रहेगा, सारे जिले में इस तरह के मतदान केंद्र रहेंगे। हाँ, जो महिला कर्मचारी सब रहेंगे इस तरह से? हाँ, महिला कर्मचारियों को हमने वुमेन पावर दिखाया कि उनमें भी इतनी काबिलियत और शक्ति है कि वो अपने दम पर मतदान करा सकती है पूरी की पूरी। ऐसे मतदाता जिनका जन्म दिवस जो है 12 मई को है, उनके लिए क्या खास है? उनके लिए सरप्राइज है, ये आपको 12 मई को ही पता लगेगा। उनमें से कुछ लोगों के लिए उसे पहले ही बता देंगे तो सरप्राइज नहीं रहेगा। परंतु उन सभी से अपील है कि अपने सारे परिवार के सदस्य के साथ, जो कि वोटर्स हैं और इवन अड़ोस पड़ोस में पोलिंग स्टेशन के जितने सदस्य हैं, सबके साथ जा करके सुबह सुबह ही जा करके मतदान करें। आज यहाँ पर चौथा कार्यक्रम है, इससे पहले भी कार्यक्रम हुए हैं, तो खिलाड़ियों के माध्यम से क्या संदेश जाने वाला है? खिलाड़ियों को हमने अपील की है कि वो लोगों को संदेश दें, क्योंकि वो जो है हमारे स्टेट के आइकन होते हैं, हमारे पूरे सेलिब्रिटी स्टेटस उनको प्रदान करता है समाज। सभी को अपील करें कि जाकर के वोट जरूर डालें, क्योंकि ये मौका चूक गए तो 5 साल बाद ही अगला मौका आएगा।